बस्तर संभाग के सुकमा जिले में नक्सलियों में मनाए जा रहे स्थापना दिवस पर तीसरे दिन सुरक्षा बल के जवानों ने 5 लाख रुपए नामी नक्सली गिरफ्तार कर लिए। वहीं नक्सली के कब्जे से एक भरमार बंदूक, 5 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 3 नग जिलेटिन रॉड, 4 नग बैटरी और अन्य सामग्री दस्तावेज बरामद किए हैं। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल को जिले के थाना कोलमपल्ली क्षेत्र के ग्राम तोमगुड़ा उपमपल्ली जंगलों में 10 से 12 की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। वहीं सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों को मौके पर रवाना किया गया। जवानों ने इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान नक्सलियों की नजर घेराबंदी कर रहे जवानों पर पड़ी और जवानों को अपनी ओर आता देखकर नक्सलियों ने पहाड़ी और घने जंगल की आड़ लेकर भागने लगे। वहीं जवानों ने नक्सलियों का पीछा किया और भागते हुए एक नक्सली को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। सफल ऑपरेशन चलाते हुए माडिक मोहन को जंगल से गिरफ्तार किया है। माडिक मोहन पे कुल 31 मामलों में शामिल होना पाया गया, जिसमें 29 अपराध इसके दर्ज हैं, जिनमें कई मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा इस पे स्थायी वारंट भी जारी है। ये बहुत ही खूंखार नक्सली कमांडर था। ये नक्सली पीएलजीए कमांडर हिडमा के गांव का रहने वाला है। उससे ही इसने अपना जो ट्रेनिंग और गुण सीखा है पूरा नक्सल संगठन में,